हेलो, मैं जसबीर अपने चैनल जसबीर क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जे सुंदर सी जुराब बनाना सिखाऊंगी। जे जुराब अंगूठे वाली है और दोनों जो ये सॉक्स हैं तो एक ही तरफ से बन जाएंगी। ये नहीं कि इस पैर की अलग होएगी और दूसरे पैर की अलग। तो जे जुराब में मैंने ये डिज़ाइन डाला है और मैं ये आपको आज बनाना सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 50 फंदे डाले हैं, ये वाले जहाँ से मैंने 50 फंदे डाले हैं, जहाँ से मैंने सिलाई की है और नीचे से भी सिलाई की है, मतलब सिलाइयों से बंद किया है, सुई से सिलाई नहीं की, सिलाइयों से बंद किया है जे लाइनें डाल के, तो पता ही नहीं चलता कि सिलाई की हुई है। ये देखिए, तो आपने भी ऐसे ही बनानी है। आप 50 फंदे डालकर इतना बॉर्डर बुनना है। बॉर्डर बुनने के बाद ये डिज़ाइन डालना है। ये मोतियों जैसा डिज़ाइन है, जैसे बीड्स लगा रखे हों, तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए मैं आपको ये वाली जुराब बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने 50 फंदे डाल लिए हैं। फंदे मैंने सिंपल ही डाले हैं, दो थ्रेड लेके। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, तो वैसे ही फंदे आपने डालने हैं और बॉर्डर बुनना है। मैं पहली सिलाई सीधी बनाती हूँ या उल्टी, तो पहला फंदा आप उतार लीजिए और पूरी सिलाई उल्टी बनाइए। सीधी अगर आपको अच्छा लगता है सीधा बनाना तो सीधी बनाइए, सीधी सीधी सिलाइयाँ। तो मैं ये उल्टी सिलाइयाँ बनाऊँगी, इस तरफ से भी उल्टा, ऐसे उल्टी सिलाई, उधर से भी उल्टी, और मैं ये चार लाइनें बना के आपको दिखाती हूँ। चार लाइनें आपने बनानी है, उसके बाद फिर डिज़ाइन शुरू होएगा। ये देखिए, मैंने चार सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हमने क्या करना है, 15 फंदे इधर छोड़ने हैं, 15 फंदे इधर छोड़ने हैं और बीच वाले फंदों को जाली डालनी है। तो हमने पहले 15 फंदे सीधे बुन लेने हैं, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और 15। 15 फंदे बुनने के बाद हमने थ्रेड इधर करना है, जाली डालनी है, फिर थ्रेड इधर करना है, जाली डालनी है, वहां तक जाली डालनी है, पीछे 15 फंदे बच जाएं। पीछे 15 फंदे, दो चार छः आठ दस बारह चौदह 15। अभी तीन को और डालनी है। मैं डाल ली, तो 15 फंदे पीछे बचने चाहिए। और 15, 15 फंदे हमने इधर बुने हैं सिंपल, 15 फंदे इधर बुने हैं फर्स्ट में, और बीच में हमने हर फंदे को जाली डाल दी है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनानी है, उल्टी सिलाई पूरी
उल्टी बनानी है, पूरी उल्टी। तो सीधी सिलाई में मैं बताती हूँ, ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई भी बुन ली है, तो ऐसे जे जाली आएगी बीच में। अब मैंने ब्लैक थ्रेड लगाना है, इसके साथ ही अटैच कर दूंगी। अब मैंने ब्लैक थ्रेड लगाना है, तो ब्लैक थ्रेड से मैं एक बुनूंगी और इसको बल डालूंगी और दो उल्टे बुनूंगी, फिर बल डालूंगी ऐसे ऐसे और दो का एक करूंगी, फिर बल डालूंगी और दो का एक करूंगी, फिर बल डालूंगी दो का एक करूंगी, ऐसे ही बल डालते हुए दो का एक करते जाना है सभी फंदों को, ऐसे। ये देखिए बल डाला, दो का एक किया, बल डाला दो का एक किया, ऐसे जहाँ जाली पड़ी है वहाँ भी करना है, पूरी सिलाई में ही। ये देखिए ऐसे ही आपने पूरी सिलाई बुननी है, बल डाला दो का एक किया, फिर बल डाला दो का एक किया। ये मैं ऐसे आपको पूरी सिलाई बुन के फिर उल्टी सिलाई बताती हूँ। ये लास्ट में दो का एक किया, एक फंदा बचा है तो उसको हमने ऐसे ही बुन लेना है। अब उल्टी सिलाई में हमने जो फंदा उल्टा बुना हुआ दिख रहा है इसको उल्टा बुनना है, जो बल वाला फंदा है जाली वाला उसको सीधा बुनना है, जो बुना हुआ है इसको उल्टा बुनना है, जाली वाले को सीधा, ऐसे। एक उल्टा एक सीधा, उल्टा वो बुनना है जो बुना हुआ है, सीधा वो बुनना है जो जाली है, ऐसे ही पूरी सिलाई आपने बुन देनी है, ऐसे ही पूरी सिलाई बनानी है। ये देखिए ये डिज़ाइन बन गया है, जैसे बीट्स लगाए हों बीच में, तो ऐसे ही आपने बनाना है। अब आगे दो सिलाइयाँ जो बेस है कलर का वही लगा, उसी की बुननी है बावा कलर की, तो दो सिलाइयाँ मैं बावा कलर की बुनूंगी ऐसे, एक सीधी फिर उल्टी, सीधी और उल्टी, दो सिलाइयाँ बनाऊंगी। दो सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर वही डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने दो सिलाइयाँ प्लेन बुन ली हैं, अब हमने फिर वही डिज़ाइन ब्लैक कलर से रिपीट करना है। एक फंदा बुनने के बाद जहाँ एक बार बल डाल लेना है आपने और दो फंदों का एक करना है, फिर बल डालना है दो फंदों का एक करना है, बस ऐसे ही बुनते जाना है दोबारा, ऐसे दो फंदों का एक किया, बल डाल लिया दो फंदों का एक किया, बस ऐसे ही आपने बुनाना है। और उल्टी सिलाई में जैसे मैंने बताया है, तो हमने ये तीन लाइनें बनानी है, एक बीच में दो प्लेन, फिर जे वाली लाइन, फिर दो प्लेन, फिर जे वाली लाइन, और फिर जब प्लेन बनानी है तो उसमें मैं आपको
बताऊंगी कि आगे फंदे कैसे बढ़ाने हैं। तो मैं इतना बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तीन लाइनें बना ली हैं डिज़ाइन की, ये डिज़ाइन है। अब मैंने ब्लैक कलर छोड़ दिया है और ये बावा कलर मैंने शुरू कर दिया है। अब मैं बावा कलर से पूरी सिलाई बनाऊंगी। ये देखिए बावा कलर की एक ही सिलाई बनाऊंगी, उसके बाद उल्टी सिलाई पे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए उल्टी सिलाई पे मैं आ गई हूँ, सीधी मैंने बावा कलर से बना ली है। अब उल्टी सिलाई में मैंने क्या करना है, मैंने 18 फंदे बुनने हैं उल्टी सिलाई में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 फंदे मैंने बुन लिए हैं। 18 फंदे मैंने इधर छोड़ने हैं, बीच वाले फंदों को मैंने जाली डालनी है। तो मैं ऐसे जाली डाल लूँगी हर फंदे।18 फंदे मैंने छोड़ने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, जहाँ तक मैं जाली डालूँगी पूरे फंदों को। तो मैं ये सिलाई बना के आपको बताती हूँ। ये देखिए ये 18 फंदे बचे हैं, इनको मैं सिंपल बुनूँगी, सिंपल ही बुनूँगी। सिंपल बुनने के बाद अब सीधी सिलाई आ गई है, तो मैं सीधी सिलाई पूरी बुनूंगी, इसकी सीधी सिलाई भी बुन दूंगी। और उल्टी सिलाई पे फिर मैं आपको बताती हूँ जो मैंने बढ़ाए हैं उनको, बाल वालों को भी सीधा सारे को सारा बुन लूँगी, सीधा बुन के फिर उल्टी पे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सीधी सिलाई बुन ली है, सीधी सिलाई मैंने पूरी बुन ली है। अब मैं इसका पूरे फंदों का हाफ करूँगी, हाफ इधर से भी हाफ कर लूँगी फंदों को। हाफ करने के बाद अब मैंने, मेरा ये डिज़ाइन पूरा हो गया है कंप्लीट। जो उल्टी सिलाई बनानी है मैंने, तो कैसे बनानी है मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने उल्टी तरफ से सीधी सिलाई बनानी है, तभी ये लाइन आएगी। उल्टी सिलाई से, उल्टी तरफ से सीधी सिलाई बुननी है, लेकिन कहाँ तक बुनना है, हाफ तक। हाफ फंदे हो जाएंगे वहाँ तक मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। जितने फंदे टोटल हैं उनका हाफ करना है। अब ये देखिए 52 फंदे इधर हैं, 52 फंदे इधर हैं, तो मैं 52 फंदे उल्टे बुने हैं सीधी सिलाई करके, ऐसे लाइन आई है। अब मैं जहाँ से वापस चली जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, पहले 2 फंदे कम कर दूँगी, 2 का 1 कर दूँगी। जहाँ से हाफ शेप आएगी तो मैं सीधी सिलाई बुनूँगी। अब मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ ही बुननी है, लेकिन जहाँ तक ही बुनना है बार बार,
तो जहाँ तक बार बार बुनकर हर तरफ से सीधी सिलाई, इससे भी सीधी और उल्टी से भी सीधी, तो मैं जे इतनी लाइनें बनाऊंगी, दो दो चार छः और आठ, आठ लाइनें मैं उल्टी उल्टी बनाऊंगी, और मैं बीच में से एक बार दो का एक और करूंगी, और इधर से मैं हर सीधी सिलाई पे जब उल्टे में आऊंगी, हर उल्टी सिलाई में दो का एक करती जाऊंगी, तो थोड़ी सी शेप जे बनेगी, थोड़ी सी शेक फंदे कम करेंगे, तो मैं ये आठ लाइनें बुनूंगी और छः फंदे कम करूंगी, तो मैं इतना बुन के आपको दिखाती हूँ। जी देखिए, मैंने जी आठ सिलाइयाँ बुन ली हैं, दो चार छः और आठ, और इधर से मैंने एक एक फंदा कम किया है हर सिलाई में, मतलब हर दूसरी सिलाई में, और इधर से भी मैंने तीन फंदे कम किए हैं। अब मैंने जे पोर्शन बुन लिया है, अब मैं जे वाला भाग बुनूंगी, इतनी ही सिलाइयाँ मैं इधर बनाऊंगी, एट एट सिलाइयाँ इधर बनाऊंगी, तो मैं जहाँ पे नया थ्रेड लगाऊंगी, जे मैंने इतना थ्रेड निकाल के रख लिया है सिलने के लिए या बंद करने के लिए, अब मैं एट सिलाइयाँ इधर बुनूंगी, तो मैं नया थ्रेड लगाऊंगी ऐसे, और दो का एक कर दूंगी, ये उल्टी तरफ से है लेकिन मैं सीधा बुनूंगी, क्योंकि सीधी सीधी सिलाइयाँ ही आनी है, ऐसे सीधी सिलाइयाँ बुनूंगी। ऐसे इधर से भी सीधी सिलाई, इधर से भी, इधर भी मैं इतनी ही लाइनें बुन के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं सीधी सिलाई बनाई है, मैं लास्ट में आके दो का एक कर दूंगी, तो ये एडी की शेप आएगी, जहाँ से एडी की शेप शुरू हो जाएगी, तो मैं इधर से भी अब सीधी सिलाई ही बनाऊंगी, बस सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाते हुए मैं आठ लाइनें बनाऊंगी, और उसके बाद आपको सॉक्स बंद करना सिखाऊंगी कि बंद करके सिलाई कैसे करनी है। ये देखिए, जो सीधी तरफ है, जे मैंने एट लाइनें बना ली हैं, दो चार छः और आठ, आठ ही मैंने इधर बनाई हैं, दो चार छः आठ, जब ये आठ सिलाइयाँ, आठवीं सिलाई दिखती है पूरी, इसको सीधी नहीं और बुनना, जब ये दिखने लगे तो इन दोनों को आपने बंद करना है, इन दोनों को आपने बंद करना है दूसरी सिलाई से। मैंने ये सारा 10 नंबर की सिलाइयों पे बुना है, ये 10 नंबर की सिलाई है, ये देखिए 10 नंबर पे मैंने बुना है, अब मैं इनको बंद करूँगी, ये जो वाले जहाँ से मैंने दो पीस किए थे हाफ हाफ, उधर से लेके अब मैं इनको बंद करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, दो फंदे पहले बुन लूँगी, ये देखिए, दो फंदे बुन के एक करूँगी, एक, फिर इसी सिलाई पे रहने दूँगी और दूसरे दो का एक करूँगी, ऐसे मैंने सिलाई करनी है सिलाइयों से, फिर इस फंदे को पकड़ कर ऊपर से निकाल लूँगी ऐसे, फिर दो का एक करूँगी, फिर इस फंदे को पकड़ के ऊपर से निकाल दूँगी, फिर दो का एक करूँगी और ऊपर से निकाल दूँगी, ऐसे मैंने पूरी सिलाई बंद करनी है, ऐसे दो का एक करूँगी, एक उधर से लिया, एक उधर से और बंद कर दिया, फिर एक इधर से फंदा लिया, एक इधर से लिया, दो इनको बुना और इस फंदे को ऊपर से निकाल दिया,
अब मैं इन सब को बंद करके आपको दिखाऊंगी, ये सारे फंदों को बंद करूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बंद कर दिया है, ये मैंने बंद किया है, ये पूरी सिलाई नीचे पैर में आ गई है बंद होके, तो इतना पता भी नहीं चल रहा। अब मैं इसको सिलूंगी, पीछे बैक वाले पैर को, एड़ी को सिल दूंगी और आगे इसको इसके साथ मिला के सिलूंगी, लेकिन मैं उल्टा करूंगी, ऐसे उल्टा करके मैं एड़ी वाली साइड पीछे बैक की सिलाई करूंगी। तो मैंने थ्रेड डाल लिया है सुई में, तो ऐसे मैं इसकी सिलाई करके आपको बताती हूँ। ऐसे चेन पकड़ के सारा मैं सिलाई कर दूंगी। ये देखिए, मैंने बैक का भाग सी लिया है। अब जो ये सामने मैंने कट रखा था अंगूठे के लिए, और अब मैं इसकी सिलाई करूंगी, ऐसे जो जे मैंने बंद किया था उसको और ये फ्रंट वाले को सीधा करके इसकी सिलाई करूंगी, ऐसे। ऐसे मैं इसकी सिलाई कर दूंगी। ऐसे, और इस साइड की इधर ये देखिए, अब मैं इसको सीधा कर दूंगी। तो ये बनकर ऐसे तैयार हो जाएगी और बड़ी सुंदर शेप आती है इसकी, पहनने में भी बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको अभी पहन के दिखाती हूँ। ये अंगूठे वाला भाग आएगा, ये दोनों तरफ से एक जैसी ही बनती है, दोनों तरफ से एक जैसी ही बनेंगी। ये नहीं है कि अंगूठा इधर आना है या उधर आना है, तो दोनों तरफ से बनकर ऐसे ये रेडी हो जाती है। पीछे से भी सुंदर लगती है बनी हुई, और इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगता है। तो आप भी बनाइए इसको ऐसे ही, मैं एक बार आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। एक पैर में ये पहनी है मैंने, अंगूठे वाली है, ये दूसरे पैर में है। ये देखिए, ये अंगूठा अपने आप बन जाता है, इधर पैर बनता है, तो इसको मैंने ऐसे पहना है, और इसमें डिज़ाइन भी दिख रहा है, और पैर में देखो टाइट भी है। इतने फंदों की आपने भी बनानी है, और पहन कर बहुत सुंदर लगती है। तो आप भी बनाइए अपनों के लिए और सबके लिए। तो अब आपका थैंक यू। ये देखिए, मैंने उतार के रखी है, अब आप भी बनाइए, ये बहुत सुंदर लगती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें प्लीज़, और लाइक करें, और मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।